जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे PESC 131 के लिए प्रीफ्रेंस के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज के सेशन से हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने प्रीफ्रेंस के क्वेश्चन लाया है, उसके माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। इन तमाम बिंदुओं को हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या किया है, दिसंबर 2022 जो रिसेंटली एग्जाम हुई थी उसके क्वेश्चन पेपर को मैंने आप सबों के बीच लाने का प्रयास किया है। जैसे इसका सब्जेक्ट नेम कहा था, शिक्षा संप्रदाय प्रकृति एवं परिप्रेक्ष्य। शिक्षा जो है आपको ये सब बुक ही है, मतलब ये सब्जेक्ट ही है शिक्षा से संबंधित। कभी आपका शिक्षा के अभ्यास के बारे में पूछा जाएगा, कभी शिक्षा का परसंप्रदाय के बारे में, कभी प्रकृति के बारे में, कभी परिप्रेक्ष्य के बारे में। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और अगर इसको पढ़ोगे ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। तो इसको जरूर पढ़िएगा टाइम मिले तो। उसके बाद इसमें कहा जाता है, इसमें 100 अंकों का एग्जाम होती है, 3 घंटे का समय दिया जाता है। और जैसा कि हर सेशन के माध्यम से और आज के सेशन के माध्यम से भी मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप एग्जाम हॉल में जाने के बाद जो जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको मिले तो सबसे पहले आप नोट जरूर पढ़ना। नोट में होता है कि सब सब्जेक्ट के अलग अलग टाइप से नोट दिए रहते हैं, तो आपको उस तरह वो पढ़ना बेहद जरूरी है, ठीक है। इसमें कहा जाता है, 5 प्रश्न के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है। प्रत्येक खंड में कम से कम 2 प्रश्नों को चुनने हैं और प्रश्नों के उत्तर के लिए सीमा शब्द है 20 अंकों के लिए 500 शब्द और 10 अंकों के लिए 250 शब्द। इसको आपको देखना है और हर सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं, तो उसको देख के आप सॉल्व करना, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग बताएंगे कहाँ कहाँ से क्या क्या करने हैं, उन तमाम चीजों को देखेंगे। पहला सवाल कहा जाता है, विधायी अध्ययन अधिगम और निर्देशन प्रशिक्षण, शिक्षण एवं शिक्षा देने की शिक्षा को किस प्रकार पृथक किया जाता है। यानी शिक्षा देने की ये जो प्रक्रिया है, अधिगम है, निर्देशन है और विद्यालय अध्ययन प्रशिक्षण, ये तमाम चीजें जो हैं किस प्रकार शिक्षा को पृथक करते हैं, इसके बारे में बताना है आपको। देखिए इस शिक्षा से संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किस तरह से शिक्षा जो हमारे देश के लिए उपयोगी है, किस तरह से शिक्षा हमारे लिए हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, किस तरह से शिक्षा में भिन्नताएं हैं, किस प्रकार की शिक्षाएं में, मतलब इसका निर्देशन क्या होगा, प्रशिक्षण क्या ऐसे होगी, इन तमाम बिंदुओं पर आपको डिस्कस करना है, इसको समझना है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है, सॉरी, कहा जाता है ज्ञान के अध्ययन के मुख्य संकेंद्रण की दृष्टि से शिक्षा के कार्यक्षेत्र की व्याख्या कीजिए। मतलब ज्ञान के अध्ययन के मुख्य संकेंद्रण की दृष्टि से जो है शिक्षा का कार्य क्षेत्र की क्या भूमिका है, क्या इसके बारे में टिप्पणी करना है, चर्चा करना है, इसके बारे में संक्षेप से बताना है, ओके। पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है, ताकि आपको पहले समझ में तो आ जाए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं कुछ ऐसे ही बोल दूं तो अब कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट रहेगा, खटकते रहेगा, अरे क्या बोल रहा है ना। तो पहले मैं इसलिए क्वेश्चन को पहले दिखा दूं। उसके बाद कहा, विचारधारा के रूप में प्रकृतिवाद के संप्रदाय एवं इसके शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों की व्याख्या कीजिए। इसमें आपको देखिए, अब मैं और एक क्वेश्चन को दिखाऊं, उसके बाद मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जाता है, 2% की टिप्पणी निकलना है, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा और जिद्दू कृष्णमूर्ति द्वारा सुझाए गए शिक्षा के उद्देश्य और जॉन टीवी द्वारा सुझाए गए शिक्षा के उद्देश्य और सामाजिक गतिशीलता के प्रकार। अब मैं बताता हूँ, जैसे ये हम लोग अभी तक 4 क्वेश्चन देखें, अब हम लोग इसके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हमको पढ़ने की पढ़ना है, आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात, कम से कम आप जो है कम से कम, हमको पता है कि आप में मतलब बहुत समय कम होता है आप सबों के पास, तो आपको करना क्या है, सबसे कम यूनिट 1, कम से कम बोल रहा हूँ मैं, यूनिट 1 जो है ना एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यूनिट 1 होता क्या है, आपको उसमें बेस दिया रहता है, बेसिक बातें दिया रहती, अगर आपको बेसिक पता रहेगा ना तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ बनते रहेगी, आपको लिखने की क्षमता बढ़ जाएगी, आप एग्जाम हॉल में अगर उससे रिलेट कर से भी क्वेश्चन बनेगा ना तो आपको वो यूनिट 1 के माध्यम से उसकी सहायता से आप बहुत कुछ लिख सकते हो। आप खाली क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे, इतना मैं बोल सकता हूँ, और आप पास जरूर होगे। और यूनिट 1 को करना ही करना, मैंने कम से कम बोला है, आप ये मत सोचना कि नहीं यूनिट 1 ही पढ़ने से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, आपको भी पता होगा, मैं ये सिर्फ बोल रहा हूँ कम से कम यूनिट 1 वो बेस्ट रहता है ना। उसके अलावा आपको क्या करना है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ उसको तो देखना ही देखना, इससे रिलेट करके क्वेश्चन बनते हैं हर साल, आपके भी ये सेशन में बनेंगे, ओके। उसके बाद जो आप अपने सेशन में असाइनमेंट सबमिट किए थे बना के, असाइनमेंट के क्वेश्चन जितने भी थे उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। असाइनमेंट के क्वेश्चन को कभी इग्नोर मत करना, उसमें आपका 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एक साथ 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ लिए और उसी क्वेश्चन में से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार हर सेशन में हर सब्जेक्ट में आता है, आप देख लेना। इससे पहले भी एग्जाम दे चुके होंगे, अगर नहीं भी देंगे ना तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और असाइनमेंट के क्वेश्चन को उठा के देख लीजिए, 1 से 2 क्वेश्चन उससे जरूर मिलते हैं जुलते हैं।
तो आपका यहाँ भी सहायता मिल गया, मतलब ये आपके लिए सफिशियंट है पास होने के लिए, और अच्छे मार्क्स लाना है तो मैंने एक अलग सा सेशन भी डाला हुआ है कैसे कैसे क्या करना है ना। तो हर चीज़ के लिए एक जरिया होती है, मैं जो आपके लिए सुविधा होगी मैं सब चीज़ बताता हूँ आपको। और क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, समाजीकरण के संपर्कता की व्याख्या कीजिए, बच्चे के समाजीकरण के अभिकरणों के रूप में विद्यालय और समुदाय की भूमिका की चर्चा कीजिए, प्रयोगात्मक विधि के गुण एवं दोषों सहित इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए, व्यक्तिगत के संपर्कता की व्याख्या कीजिए, ऑलपोर्ट और फ्रायड द्वारा दिए गए व्यक्तिगत के सिद्धांतों की परिचर्चा कीजिए। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कहा जाता है, 2% होने के लिए, शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य। देखिए शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य, अनौपचारिक उद्देश्य, निरौपचारिक उद्देश्य, ये चीजें जो ना काफी ज्यादा मिलता जुलता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो उसको देख लीजिएगा ठीक है। और कहा आमने सामने यानी फेस टू फेस और ऑनलाइन शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए पहली बात तो ये, ऑनलाइन वाला टॉपिक्स को आप कभी भी मत छोड़ना है ना, कभी भी मत छोड़ना। आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट में जो अगले 132, 133, 134, इसमें भी आपको ऑनलाइन से सुविधा संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं टॉपिक्स हैं। और आप सबों को पता होगा अभी ऑनलाइन शिक्षा जो है ना, ऑनलाइन एजुकेशन जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस में है, आप अभी भी पढ़ रहे हो ऑनलाइन ही, तो ये क्या है, इसमें क्या डिफरेंट है। अगर मैं आप सबों के बीच ऑफलाइन में रहता फेस टू फेस तो किस तरह से पढ़ाता, किस तरह से आपको समझ आती है ना, इन तमाम चीज़ों को आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ओके। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में है, शिक्षा की वैदिक पद्धति में पालन की जा रही पाठ्यचर्या पर चर्चा कीजिए, और स्वामी विवेकानंद द्वारा सुझाए गए शिक्षा के उद्देश्य क्या थे इसके बारे में भी बताना है ना। ये टोटल 8 सवाल पूछे जाते हैं, 8 में से किन्हीं 5 के उत्तर देने हैं, आप अपने इच्छा अनुसार, सुविधा अनुसार, आप जानकारी के अनुसार आप इसका सॉल्व कर सकते हो ओके। और मैं एक और सेशन की क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये BESC 131 के जो है जून 2022 के क्वेश्चन पेपर है, और ये शिक्षा संपर्कता प्रकृति एवं परिप्रेक्ष्य सेम वही है, 100 का एग्जाम होगी और 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं ठीक है। और इसमें पहला सवाल क्या कहता है कि विभिन्न अधिगम वातावरण की दृष्टि से शिक्षा के कार्यक्षेत्र की व्याख्या कीजिए। देखिए शिक्षा के कार्यक्षेत्र इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में पूछा गया था, आपको दिखाया मैंने, इसमें भी पूछा गया है, तो मैंने ये प्रूफ किया, ये आपको दिखाने की कोशिश किया कि आपको मिलता जुलता क्वेश्चन बनेंगे, रिलेट करके क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उसको देखना जरूरी है। अगर इससे ये क्वेश्चन आप देख लेते हो ना, अगर इससे रिलेट करके भी क्वेश्चन बनेगा तो आप अपने माइंड से लिख सकते हो, ये आप में क्षमता है ना, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। उसका शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यचर्या और शिक्षा विधियों के विशेष संदर्भ में प्रयोजनवाद के संप्रदाय की व्याख्या कीजिए, और रूसो द्वारा, देखिए इससे पहले भी आया था, जो वैज्ञानिक विद्वान थे उसके बारे में एक दो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद आया था, इसमें रूसो का प्रदत्त शिक्षा के संप्रदाय की व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है, और उसके द्वारा सुझाए गए जो शिक्षा के उद्देश्य थे, पाठ्यचरण थे, इसके बारे में आपको बताना है। आप उसमें जो ना मतलब इससे ये देखने को मिलता है कि एक जो विद्वान के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो उसको देख लीजिएगा ठीक है। उसी प्रकार 2 पर टिप्पणी के लिए कहा जाता है, सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक और शिक्षा की पहुंच और नामांकन के मुद्दे, विद्यालय में अभिभावक की भागीदारी और शैक्षिक मनोविज्ञान की विधि के रूप में परीक्षण। नेक्स्ट में बुद्धि के संप्रदाय और शिक्षा के लिए इसके निहितार्थों की व्याख्या कीजिए, शिक्षा के वैयक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्य का समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए, और श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन और उसके द्वारा सुझाए गए शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र की परिचर्चना कीजिए। जैसे विधि के रूसो के बारे में देखे, और उसके बाद अरविंदो घोष के बारे में देखा है, स्वामी विवेकानंद के बारे में देखे, आपको मैंने बताया ना, एक नहीं हर साल दो दो सवाल आ रहे हैं, दो दो सवाल आ रहे हैं सिर्फ विद्वान के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या बातें कही है, तो आप अगर उसको देख लेते हैं तो आपका जो ना पासिंग मार्क्स तो यही दोनों से आ रहा है। यहाँ देखिए 20 मार्क्स के यहाँ आ गया, और 20 मार्क्स के ऊपर था 40 मार्क्स, आपको पासिंग मार्क मात्र 35 है, ऐसे आपको 40 मार्क्स के जो है ना क्वेश्चन ऐसे आ गया। उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन बना लेंगे तो पास हो जाएंगे, क्या बोलती है पब्लिक ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में कहा जाता है, अधिगम के शास्त्र और विकरा प्रस्तुत अनुबंध में अंतर बताइए, शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है, इसको जरूर देख लीजिएगा। और गेने के पदानुक्रम अधिगम के सिद्धांत को बताइए, और शिक्षा के लोकतांत्रिक उद्देश्य क्या है इसके बारे में चर्चा करना है ठीक है। तो इस तरह से 8 सवाल पूछे गए इस सेशन में भी, अगले सेशन में भी 8 सवाल, और आपके सेशन में भी 8 सवाल पूछे जाएंगे, 8 में से 5 का उत्तर देना है। इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, इसी टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, और मैंने जितना बोला उसको जरूर कवर कीजिए, यूनिट 1 असाइनमेंट के क्वेश्चन और प्रीवियस के क्वेश्चन, इतना कर लेते तो आपका पास होना तय है ठीक है। अगर और बेस्ट मार्क्स करना चाहते हैं तो एक और भी सेशन अपलोड कर रखा है, उसको देख लीजिएगा, और उसमें क्या क्या मैंने बताया था उसको फॉलो कीजिए ठीक है।
तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सबों के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायतापूर्ण साबित हुई होगी, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे और वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ भी मिल सकता है, ठीक है, इसकी चिंता ना करें। और एक निवेदन भी है, जो कि चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।